हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ दीपक यादव एंड वन ऑफ द एजुकेटर ऑफ एन अकेडमी। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग यूपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमाम सेरेमनी, जो कि अभी ये रिसेंटली परफॉर्म्ड हुआ है टेम्पल के अंदर। तो हम वो भी डिस्कस करने वाले, होमाम सेरेमनी क्या होती है, जो कि आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो कि GS2 आर्ट एंड कल्चर GS2 होता है, वहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है। और रिसेंटली परफॉर्म्ड हुई है किसी टेम्पल में, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन क्या नाम है टेम्पल का और कहाँ पर है। उससे भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो गाइज, ये हुमाम सेरेमनी है, ये एक यज्ञ की तरह है जो कि हम हिंदूज़ में परफॉर्म करी जाती है। ज़्यादातर कोई भी इवेंट्स होता है तो यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है एक पूजा, जिससे कि यहाँ पर हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ये। तो ये जो टॉपिक है, हम लोग ये GS प्रीलिम्स प्लस GS2 मेंस आर्ट एंड कल्चर, यानी कि ये दोनों में ही रिलेट कर सकते हैं, दोनों में ही ये जो टॉपिक है पूछा जा सकता है। सो गाइस, पूरा देखिएगा ये वीडियो, और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नीचे की साइड सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, Deepak_1004 के नाम से मेरा अकाउंट है, ये न्यू अकाउंट है, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी जितनी भी क्वायरीज हो वो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे सबके रिप्लाई करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, होमाम सेरेमनी, जो कि आर्ट एंड कल्चर से हम रिलेट कर सकते हैं इन न्यूज़। यानी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली परफॉर्म करा गया है कहाँ पे, श्री कालाहस्तीश्वर देवास्थनम, ये टेम्पल का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये टेम्पल है, यहाँ पर ये परफॉर्म करा गया है। टेम्पल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, पहले होमाम जान लेते हैं। होमाम इज़ जनरली परफॉर्म टू एंश्योर प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग, यानी कि दौलत और वेल, यानी कि हेल्थ के लिए यहाँ पे पूजा करी गई है। एट द ग्लोबल लेवल एंड हेल्थ एंड लॉन्गिविटी ऑफ द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि ग्लोबल लेवल के लिए, यानी पूरे उस दुनिया के लिए यहाँ पे करी गई है पूजा, जो ये श्री कालाहस्तीश्वर देवास्थनम जो टेम्पल है यहाँ पर क्यों करी गई है, ताकि ये जो निगेटिव इफेक्ट कोरोना वायरस का है ये हट जाए, इसलिए यहाँ पर ये पूजा करी गई है। तो यहाँ पर हम टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं। दिस टेम्पल इज़ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर परफॉर्मिंग राहु केतु पूजा। आपसे पूछ भी सकता है राहु केतु पूजा या फिर इस टेम्पल के बारे में कि कौन सी पूजा हुई जाती है, तो यहाँ पर ये राहु केतु पूजा है जो यहाँ पर परफॉर्म करी जाती है हमेशा। और ये एक ऐसा टेम्पल है, एक इकलौता टेम्पल है जो कि खुला रहता है हमेशा, जबकि जहाँ पर जब चंद्र ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं दोनों टाइम ये वाला टेम्पल खुलता है। सो गाइज, ऐसा इकलौता टेम्पल है, तो आप ये भी चीज़ इसकी मेन चीज़ है ये भी याद रख सकते हैं, पूछी जा सकती है। हुमाम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। होमाम इज़ अ रिचुअल वेयर ऑफरिंग्स आर मेड इन टू अ सेक्रेड फायर, यानी कि जो यज्ञ करते हैं हम उसमें अपना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसा आप लोगों को ही पता होगा, यज्ञ करते हैं हम लोग कैसे, और सामग्री वगैरह डाल के हम लोग यज्ञ करते हैं, जो इसे यहाँ पर ये होमाम कहा जा रहा है। द रूट वर्ड ऑफ होमाम इज़ हा, यानी कि जो रूट वर्ड यानी कि पैदा कहाँ से हुआ, होमाम वर्ड हा से, विच मीन्स ऑफरिंग और सेक्रीफाइस, इसका मतलब क्या है, कुछ सेक्रीफाइस करना, संस्कृत में इसे कहा जाता है। और होमाम इज़ परफॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सिग्निफिकेंट इवेंट और सेरेमनी ऑफ हिंदू हाउस होल्ड लाइफ, यानी कि छोटी मोटी भी इवेंट होते हैं यहाँ पर हम लोग, पूजा चलती है हमारे यहाँ, पूजा करवाई जाती है हिंदूज़ में, अगर घर का उद्घाटन हो या किसी की शादी हो, हर जगह यहाँ पे होमाम पूजा करी जाती है। सो गाइस, यहाँ पर होमाम हमने पढ़ लिया है, उसके बाद होमाम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इट इज़ रूटेड इन द वैदिक रिलीजन, यानी कि सबसे पहले ये वैदिक रिलीजन के अंदर आया, देन उसके बाद बुद्धिज्म ने इसे अडॉप्ट करा, फिर उसके बाद जैनिज्म में आया, तो अभी ये करेंटली बुद्धिज्म में चलता है, ज़्यादातर चल ही रहा है, और यहाँ पे तिब्बत और जापानीज़ यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, जैनिज्म के अंदर भी, जो मॉडर्न जैनिज्म है उसमें भी यहाँ पर ये देखी जाती है पूजा, कौन सी, होमाम। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने होमाम पढ़ लिया है पूरा, आज का टॉपिक बस इतना ही था, और आज का टॉपिक पूरा हो चुका है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नीचे की साइड यहाँ पे आ रहा होगा,
उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी जो सारी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें, और चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए गाइस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ हर वीडियो में, deepak_1004 के नाम से मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पे अपने आप क्वेरीज DM कर सकते हैं। तो आज की यहाँ पे होती है हमारी गाइस वीडियो ख़त्म, और मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।